अक्सर हमारे जीवन में हुई अनचाही चीजें हमें किसी ना किसी बात का संकेत देती हैं, जैसे कि हाथ से किसी बर्तन का छूटना या फिर कांच का टूटना या फिर दूध का उबलना और उबलने के बाद बाहर गिर जाना। प्राचीन काल से ही शकुन और अपशकुन की मान्यताएं प्रचलित हैं। आज भी अगर ऐसा कुछ होता है तो हम कहते हैं कि अपशकुन हो गया है। किसी ना किसी काम को करते टाइम कुछ छोटी मोटी घटनाएं जरूर होती हैं। अगर इन घटनाओं को हम सही तरीके से समझेंगे तो हम भविष्य में होने वाली बातों को समझ सकते हैं। इन छोटी मोटी घटनाओं से हम आने वाले समय में शकुन और अपशकुन के बारे में पता लगा सकते हैं, जिसे कि लोग सामान्य बात समझकर नजरअंदाज कर देते हैं। तो चलिए जानते हैं कि ज्योतिष शास्त्र में दूध के उबलकर गिरने को किस तरह से लिया गया है। दूध, दही और सफेद चीजों का संबंध चंद्रमा से बताया जाता है। यदि उबलता हुआ दूध बर्तन से बाहर गिर जाता है तो साफ है कि आपके घर से सुख और समृद्धि जा रही है। ये परिवार के सदस्यों के बीच मानसिक परेशानी बढ़ने की ओर संकेत भी करता है। दूध या इससे बनी चीजों का गिरने का मतलब है परिवार पर कोई वित्तीय संकट आ सकता है। वास्तु शास्त्र के अनुसार भी यदि दूध उबलकर बर्तन से बाहर गिर जाए तो यह चंद्रमा को कमजोर बनाता है। जिस घर में रोजाना या हर दूसरे दिन गर्म करते समय दूध उबलकर बाहर गिर जाता है, उस घर के लोगों का मानसिक संतुलन स्थिर नहीं हो रहता है। साथ ही निरंतर चिंता और छोटी छोटी बात पर परिवार के सदस्यों का एक दूसरे के प्रति चिड़चिड़ापन आना आम बात हो जाती है। रिश्तेदारों से भी मतभेद बढ़ जाते हैं। साथ ही परिवार के सदस्य किसी न किसी बीमारी के शिकार रहते हैं। इसीलिए वास्तु के अनुसार कभी भी दूध उबलकर बाहर नहीं गिरना चाहिए, इससे आपको हमेशा ही नुकसान होगा। जिस घर में दूध उबलकर गिरता है वहां पर अचानक पैसों का खर्च बढ़ जाता है, घर के लोग बीमार रहने लगते हैं और घरेलू जीवन में भी संधि विच्छेद की संभावनाएं बहुत बढ़ जाती हैं। इसीलिए जब भी आप दूध उबालने के लिए चढ़ाएं तो हमेशा सावधानी बरतें और कभी भी भूल से भी वह दूध गिरना नहीं चाहिए। दूध के गिरने से चंद्रमा मलिन हो जाता है, इसीलिए यह कार्य यदि भूलवश भी हो रहा हो या भूलवश भी हो जाए तो आपको दूध उबालते वक्त सावधानी जरूर बरतनी चाहिए। हालांकि सुबह सुबह दूध का देखना शुभ माना जाता है, इसीलिए हर रसोई में सुबह सुबह दूध को जरूर उबालना चाहिए, लेकिन ध्यान इस बात का रखना चाहिए कि दूध उबलकर गिर ना जाए। तो दोस्तों, यह थी दूध के उबलकर गिरने के पीछे की मान्यता, नियम और ज्योतिषी उपाय। आशा करते हैं वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। वीडियो अच्छा लगे इसे लाइक जरूर करें और चैनल पे यदि नए हैं तो इसे सब्सक्राइब करके बगल में दी हुई घंटी जरूर दबाएं। धन्यवाद।